हेलो, माय नेम इज मिनी सेठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एचआर स्कोर कार्ड। एचआर स्कोर कार्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एचआर स्कोर कार्ड क्या एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। इसके थ्रू हम यह देख सकते हैं कि हमारा एचआर डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। एचआर स्कोर कार्ड का एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है। इसके थ्रू हम यह देख सकते हैं कि हमारा एचआर डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली हम किस लेवल की परफॉर्मेंस चेक करते हैं? हम स्ट्रेटेजिकल रोल की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। हम स्ट्रेटेजिकल लेवल पे देखते हैं कि लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकल लेवल मीन्स जो लीडरशिप लेवल पे होता है, एज अ लीडर रोल परफॉर्म कर रहा है एचआर डिपार्टमेंट में। क्योंकि जो मेन इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाले, दूसरों को गाइडलाइन देने वाले, वो लीडर ही होते हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस किस पे रहता है? स्ट्रेटेजिकल रोल पे रहता है कि जो एज अ स्ट्रेटेजिकल रोल एचआर डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, उनकी अचीवमेंट कैसी है, वो किस लेवल तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो एचआर स्कोर कार्ड में बेसिकली हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है। इसमें हम एचआर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। हम यह देखते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट किस लेवल तक परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस इसमें स्ट्रेटेजिकल रोल पे रहता है। मीन जो एज अ लीडर एचआर डिपार्टमेंट में रोल परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसा रोल परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो ही मेन होते हैं जो दूसरों को गाइडलाइन देते हैं, उनकी गाइडलाइन पे ही दूसरे लोग चलते हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस इसमें किस पर रहता है? स्ट्रेटेजिकल रोल पर रहता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। एचआर स्कोर कार्ड क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है। इसमें हम एचआर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और बेसिकली हमारा फोकस इसमें स्ट्रेटेजिकल रोल पर रहता है। जो लोग स्ट्रेटेजिकल रोल परफॉर्म करे लीडरशिप पोजीशन पे, वो कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि वो ही बेसिकली होते हैं दूसरों को गाइडलाइन देने वाले। आई थिंक आपको समझ में आ गया एचआर स्कोर कार्ड क्या होता है। अब इसका एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है, कुछ स्टेप को इन्वॉल्व करके हम एचआर स्कोर कार्ड बनाते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है? क्रिएट एचआर स्ट्रेटजी मैप। सबसे पहले हम एचआर स्ट्रेटजी मैप को क्रिएट करते हैं। एचआर स्ट्रेटजी मैप को क्रिएट करने के लिए आपको फोर पैरामीटर की जरूरत है। ये पहला पैरामीटर हो गया फाइनेंस, दूसरा हो गया हमारे इंटरनल कस्टमर, यहाँ पे हम इंटरनल कस्टमर की बात करेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड और एचआर स्कोर कार्ड में कंफ्यूज नहीं होना। बैलेंस स्कोर कार्ड पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुलाया जाता है, जबकि एचआर स्कोर कार्ड पे फिर सिर्फ हम एचआर डिपार्टमेंट पे फोकस करते हैं। ओके, तो पहला पैरामीटर फाइनेंस है, सेकेंड पैरामीटर है आपका इंटरनल कस्टमर। ओके, और थर्ड पैरामीटर है आपके एचआर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड में यही पैरामीटर यूज करते हैं, लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेकिन एचआर स्कोर कार्ड में इन्हीं पैरामीटर को सिर्फ हम एचआर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे। पहला पैरामीटर फाइनेंस, सेकंड इंटरनल कस्टमर, थर्ड आपका एचआर इंटरनल प्रोसेस, फोर्थ आपका हो गया लर्निंग एंड ग्रोथ। अब एचआर स्ट्रेटजी मैप बनाने के लिए हमें इन फोर पैरामीटर का यूज करना है। अब इन फोर पैरामीटर का यूज कैसे करेंगे? पहला फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट में हमें फाइनेंस लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना है, फाइनेंस लेवल पे अच्छा स्कोर करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? राइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एचआर एक्टिविटी। आप एचआर के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, उन पे रिटर्न को बढ़ा के, जैसे आप एचआर को ट्रेनिंग दे रहे हो, कंपनसेशन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ये आप सब दे रहे हो ना, उससे अपने रिटर्न को बढ़ा के। और वो रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हो? प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के। अगर आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हो, मींस आप उनसे अच्छा खासा आउटपुट ले रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो? अपने रिटर्न को बढ़ा रहे हो। रिटर्न क्या होता है? जो आप उन पे खर्चा कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बदले में जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपका रिटर्न है। आप क्या रिटर्न को कैसे बढ़ा सकते हो? अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के, अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है उससे आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हो। तो ऐसा करके आप फाइनेंस लेवल पे स्कोर कर रहे हो। ओके, सेकंड क्या? इंटरनल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनल कस्टमर क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके जो पार्टनर्स है और आपके इंप्लॉयज है वो आपके इंटरनल कस्टमर है। आपके पार्टनर्स और आपके इंप्लॉयज है वो आपके इंटरनल कस्टमर है। अब इंटरनल कस्टमर लेवल पे आपको कैसा स्कोर करना है? ठीक है, इस पे भी अगर आपको हाई स्कोर करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाकर, सेटिस्फेक्शन को बढ़ाकर प्लस पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट क्रिएट करके,
पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करो और अपने एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाकर आप इंटरनल कस्टमर लेवल पे स्कोर करोगे। अब एचआर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, एचआर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में मीन जो आप एचआर के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटी कर रहे हो, अपने एचआर के लिए जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो क्या एचआर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। अब एचआर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पे आप स्कोर कैसे हाई कर सकते हो, एक्सीलेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी अपनाकर, एक्सीलेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी अपनाकर। आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छी है तो अच्छा कैंडिडेट आएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। एक्सीलेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना के प्लस टैलेंट मैनेजमेंट करके आप उनके करियर को पहचान रहे हो, ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो, आप प्रॉपर टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप एचआर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस लेवल पे भी स्कोर कर रहे हो। अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना के और टैलेंट बेस्ट टैलेंट मैनेजमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करके आप एचआर इंटरनल बिजनेस लेवल पे भी स्कोर कर रहे हो। उसके बाद लर्निंग एंड ग्रोथ, अपने एम्प्लॉयज की स्किल बढ़ाकर, उनको ट्रेनिंग देकर, ठीक है, आप क्या कर रहे हो उनकी लर्निंग एंड ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो और आप लर्निंग एंड ग्रोथ लेवल पे भी स्कोर कर रहे हो। ओके, तो आपने ये क्या करना है, एचआर एक स्ट्रेटजी मैप क्रिएट कर लेना है। ये एचआर स्कोर कार्ड को बनाने का पहला स्टेप है। एचआर स्कोर कार्ड को बनाने का पहला स्टेप है क्रिएट एचआर स्ट्रेटजी मैप, और एचआर स्ट्रेटजी मैप को क्रिएट करने के लिए आपको इन फोर पैरामीटर का यूज करना है। ये पहला स्टेप है। और सेकेंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई एचआर डिलीवरीएबल, ठीक है। आइडेंटिफाई एचआर डिलीवरीएबल का मतलब क्या है, डिलीवरीएबल क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप अपने एचआर से अपने एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो आपको क्या डिलीवर करे, वो आपको क्या दे, ठीक है, वो क्या होती है एचआर डिलीवरीएबल, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप किस तरह, किस लेवल की परफॉर्मेंस अपने एचआर डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट करते हो, किस लेवल का आके वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करें, वो क्या है एचआर डिलीवरीएबल। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपकी जो रिक्रूटमेंट के डेज है, आप एक बंदे को हायर करने के लिए 40 डेज का टाइम लेते हो, ठीक है। आप एक अपने एचआर डिपार्टमेंट में अपने मैनेजर को कहते हो कि ये 40 डेज की जगह जो रिक्रूटमेंट हायरिंग का टाइम है वो 35 डे होना चाहिए। ये 35 डे क्या इम्प्रूव्ड वे है, और 40 से घटाकर आप अपने रिक्रूटमेंट हायरिंग का टाइम है 35 कर दो। ये 35 डेज क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, परफॉर्मेंस को लेके एक्सपेक्टेशन है अपने एचआर डिपार्टमेंट से। ये आप आइडेंटिफाई करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट होगी। यहां मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, 44 से 35 हायरिंग डे करना, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है एचआर डिपार्टमेंट ने। ये एचआर आपको क्या डिलीवर करे, क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, यह क्या एचआर डिलीवरेबल, एचआर डिलीवरेबल क्या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस लेवल तक वो परफॉर्म कर। जैसे मैंने आप एग्जांपल दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या 40 डे को घटाकर 35 डे कर दे हायरिंग के लिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये आपकी डिलीवरेबल है आपके एचआर डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद क्या होगी, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है, प्रोसेस पॉलिसी एंड प्रोसीजर। देखो अब एचआर डिपार्टमेंट अपने डिलीवरेबल को अच्छे से परफॉर्म कर सके, मीन्स अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसके लिए जो आप प्रोसेस पॉलिसी और प्रोसीजर सेट करते हो ना, वो इस थर्ड स्टेप में आता है। जैसे मान लो आपने 5-स्टार एसी तो ले लिया, ठीक है, अब वो अच्छे से परफॉर्म करे उसके लिए आपको विंडो डोर तो क्लोज करने पड़ेंगे ना। अगर आपने 5-स्टार एसी ले लिया लेकिन आपकी विंडोज खुली है, डोर खुले, क्या वो कूलिंग करेगा, करेगा नहीं। इसी तरह अब आपने अच्छा एम्प्लॉयज तो हायर कर लिया, आपने उसको अपनी एक्सपेक्टेशन भी बता दी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फेवरेबल वर्क एनवायरमेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, HIS ह्यूमन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आपने क्या करना है एचआर डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम का यूज करना, मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज करना, ताकि जो एम्प्लॉयज मैनुअल वर्क कर रहे हैं ना, ये रिक्रूटमेंट का आपने उसको बोला कि 35 डे में करना है, इसके लिए आपको फेवरेबल वर्क एनवायरमेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने तो पड़ेंगे ना, ताकि वो जो बंदा है अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर रहे, 40 की जगह वो 35 डेज लगाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन देनी पड़ेगी, ताकि उनका मैनुअल वर्क कम से कम हो, क्योंकि सबको पता है कंप्यूटर से काम फास्ट होता है, आपको उनको नई टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, कुछ नए सॉफ्टवेयर लाने पड़ेंगे ताकि उनका काम फास्ट हो। जहां 40 डे लगते थे वहां 35 डे लगे, इसके लिए आपने आप उनको क्या कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम ला रहे हो, ज्यादा ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ला रहे हो जिससे आपके एचआर डिपार्टमेंट का मैनुअल वर्क कम होकर क्या हो जाए,
टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका काम फास्ट हो जाए, मींस एचआर अपने अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसके लिए जो फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो ना, जो प्रोसेस पॉलिसी प्रोसीजर बनाते हो ना, वो इस थर्ड स्टेप में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल दे दिया, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद फोर्थ की बात करते हो, अलाइनिंग विद एचआर सिस्टम, मीन्स जो आपके मेन गोल है, जो आपकी मेन स्ट्रेटजी है, एचआर डिपार्टमेंट उससे अलाइंड हो, मीन्स उसके अकॉर्डिंग ही काम करे, ठीक है, कुछ भी उससे हटके ना करे। अलाइनिंग विद सिस्टम का मतलब है कि आपकी जो मेन पॉलिसी है, मेन गोल है, मेन स्ट्रेटजी है, एचआर सिस्टम उससे अलाइंड होके ही काम करे, ऐसे नहीं अपना अलग से परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, इसमें यह है। उसके बाद लास्ट स्टेप है क्रिएटिंग एचआर एफिशिएंसी, आपको कंटिन्यू एचआर की एफिशिएंसी को बढ़ाते रहना, जैसे कंटिन्यू फीडबैक के थ्रू, कंटिन्यू ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है क्रिएटिंग एचआर एफिशिएंसी। इन सारे स्टेप को इंक्लूड करके आप क्या कर सकते हो, एचआर स्कोर कार्ड को रेडी कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।